अलमारी में डिब्बा है वो ले आ। ये देव अपनी राधिका के लिए लाया था, परंतु उसने मुझे दे दिए क्योंकि उसकी राधिका तो यहां थी ही नहीं। मैंने इन्हें संभाल के रखा था तुम्हारे लिए। ये ताबीज दाइमा ने दिया था। धन्यवाद कान्हा। अब धन्यवाद कहने में समय मत गवाओ, जाओ, देव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राधिका, क्या हुआ? मैं जब यहां से गई थी तब उनके मन में मेरे लिए शक था। वो सोचते थे कि मैं बरखा को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। राधिका, वो पुरानी बातें हैं। तुम्हारे रूप में यहां रहकर मैंने देव को कई बार यह आभास करवाया कि उसने तुम पर शंका करके कितना गलत किया। अब वो तुम पर कभी भी अविश्वास नहीं करेगा। यहां तक कि पिछले कुछ दिनों जब सारा परिवार राधिका के विरुद्ध हो गया था तब भी उसने राधिका का साथ नहीं छोड़ा। उसका प्रेम परीक्षा में सफल हुआ है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने पति के पास जाओ। जब मुझे नया जीवन मिला है तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं, तुम्हें ढेर सारा प्यार देना चाहता हूं। कितना इंतजार करवाती हो तुम, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। मैं जानती हूं थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
पर कम से कम ये तो मत कहिए कि मुझे आपकी फिक्र नहीं। आप मेरे लिए क्या है मैं ही जानती हूँ। अरे अरे आराम कीजिए, अभी आपके शरीर में कमजोरी है इस तरह से। जिया जागे सोए नैना, यही सोचूं सारी रहना। खींचे काहे मनवा तेरी ओर, दिखे ना जो कैसी है ये डोर। मोरी छवि में छप तोरी, दिखे रे अब मोहे, प्रीत ने प्रीतम मान लिया तो है। मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो आंसू बहा दिए। मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पति हूं जिसे तुम जैसी पत्नी मिली है, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है। मुझे चोट पहुंचती है तो दर्द तुम्हें होता है। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, इन सब बातों की फिक्र उसे होती है। आंसू नहीं मोती है, इसे जाया मत करो। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये तो वही कंगन है ना जो मैंने तुम्हें दिए थे, तो फिर आज तक तुमने क्यों नहीं पहने? मौका नहीं मिला। जानती हो राधिका, जब मैं हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा था, मेरी नब्ज डूब रही थी, तब मुझे सिर्फ तुम्हारी सूरत दिखाई दे रही थी। मुझे मौत का डर नहीं था, इस बात का अफसोस था। मैं कभी तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाया जितना मैं देना चाहता था, पर अब जब मुझे नया जीवन मिला है तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं, तुम्हें ढेर सारा प्यार देना चाहता हूं जो कभी कम ना हो। मैं अपने हर दिन हर रात मेरी चलती हुई हर सांस के हर पल में सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूं।
जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं तुम्हें कई दिनों के बाद मिल रहा हूं। इसके बारे में किसी को मत बताना, देव को भी नहीं। मुझे भी ऐसा लग रहा है। और ऐसा लगने की वजह क्या है जानती हो तुम? क्या? सिर्फ मुझे नया जीवन ही नहीं, नए जीवन के साथ नया प्यार भी मिला है, इसलिए सब कुछ नया नया लग रहा है। वैसे आपको मुझसे क्या काम था? कुछ नहीं, बस अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता था। तो अब मैं जाऊं, खाना बनाना है। आज बहुत समय बाद मैं अपने हाथों से आपको खाना बनाकर खिलाऊंगी। तुम बहुत समय के बाद मुझे खाना बना के खिलाओगी? मतलब तुम तो मेरे लिए रोज ही खाना बनाती हो ना? हाँ, अभी हम बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और सब कुछ नया सा लग रहा है, इसीलिए कह दिया। मैं जाती हूँ। राधिका कभी आपसे दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वो यहाँ रहती है। जैसे जीवन से सांसें जुड़ी होती है, दिल से धड़कन जुड़ी होती है, वैसी राधिका आपसे जुड़ी हुई है। वो आपसे दूर कभी नहीं हो सकती। क्यों तुम्हें यहां जाने देने का मन नहीं कर रहा? ऐसा लग रहा है जैसे सही मायने में मेरी राधिका मुझे आज मिली है। कैसे समझाऊं, पर ऐसा लगता था जैसे तुम पास होकर भी पास नहीं थी। राधिका कभी आपसे दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वो यहां रहती है। जैसे जीवन से सांसें जुड़ी होती है, दिल से धड़कन जुड़ी होती है, वैसी राधिका आपसे जुड़ी हुई है। वो आपसे दूर कभी नहीं हो सकती। आप आराम कीजिए। क्षमा करना गाना, आपने मुझसे कहा था कि जब मैं परेशानी में हूं तब आपको बुलाऊं तो आप आ जाएंगे। अभी माखन बनाया है आपके। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे भक्त ने बुलाया तो मैं आ गया। मैंने दाऊ के लिए भी माखन बनाया है।
अरे दाऊ तो वैकुंठ चले गए, उनके हिस्से का भी तो मुझे ही दे दो। आप तो यही है ना काना? बिल्कुल राधिका, जब तक बरखा और इस घर का बुरा चाहने वाले बाकी लोगों को उनके कर्मों की सजा नहीं मिल जाती, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और तुम्हें और कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाना होगा, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। फिर चाहे सामने तथाकथित मित्र हो या फिर घर का सदस्य। पर ये सब कैसे होगा कान्हा? चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, तुम वहां जाकर छिप जाओ। इस घर में रहने वाली घोर पापी आत्मा अर्थात देव की बड़ी मां इस रसोई की ओर आ रही है। जाओ, तुम्हारी शिक्षा के लिए मैं प्रयोग उन्हीं पे करता हूं। जी। क्या कर रही हो? क्यों, मुझे कहीं और होना चाहिए था? हाँ, होना तो घर से बाहर चाहिए था, लेकिन चाल चल के तुम घर में तो आई गई। चाल तो आपने भी चली थी ना, बरखा को भड़काने की, ताकि वो राधिका के खिलाफ कुछ कर सके, है ना? तुम छुपकर मेरी बातें सुन रही थी? शायद। तो अब क्या करने वाली हो? बस आपको समझाना है, अपनी हरकतों से पास आ जाइए। देव और राधिका के बीच में आने वाले हर व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया जाएगा। बरखा का साथ देकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप समय रहते सुधर नहीं गई तो आपके साथ क्या होगा? ये सोच भी नहीं सकती हूँ काना कि बड़ी माँ किसी से इतना डर सकती हैं। अब ये तुम्हें कष्ट पहुंचाने से पहले 100 बार सोचेगी, और अगर फिर भी इन्होंने कोई हरकत की तो इन्हें इस तरह से डरा देना। साम दाम दंड भेद, ये सब नीतियां समस्या निवारण के लिए बनाई गई है, और तुम्हारी समस्या का नाम है बरखा। तुमने कई बार उसका सच सबके सामने लाने की कोशिश की, पर तुम कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि तुमने सच वैसे ही कहा जैसे वो था। पर अगर सच को बदल देंगे तो वो झूठ हो जाएगा ना काना? कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य को निर्बल बनाने के लिए युधिष्ठिर ने कहा था, अश्वत्थामा मारा गया, और वो सच था, क्योंकि युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हाथी की बात की थी।
और द्रोणाचार्य को लगा कि युधिष्ठिर उनके बेटे अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी शब्दों का सही प्रयोग सच को उपयोगी बना देता है। काली पहाड़ी के खंडर के आसपास तो चाचा जी का कोई अता पता नहीं था। उस मायावी को हटाने के लिए इस घर में आए थे, पर वही काम अधूरा छूट गया। मायावी घर पर है और सुना चाचा जी गायब। छोटी बहू